आज की कुछ ताजा खबरें। वृद्ध ने मजदूरी मांगी तो पैर की उंगली काट दी और हाथ का अंगूठा तोड़ दिया। यह घटना नागपुर की दर्शाई जाती है। मजदूरी मांगने पर एक 60 साल के बुजुर्ग के एक पैर की उंगलियां काट दी गई है और साथ ही हाथ का अंगूठा भी तोड़ दिया गया है। इसके बाद उसे रेल की पटरी पर फेंक दिया गया। पुलिस ने समय रहते उसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया। यह वारदात ओडिशा के मजदूर के साथ नागपुर में हुई है। वृद्धा पर किया गया जानलेवा हमला। पालघर के देहानु पुलिस स्टेशन अंतर्गत 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के ऊपर धारा 307 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक वंशी काकड़िया सरवा 80 दसरा पाड़ा दहानु इलाके में रहती है महिला। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। मूर्ति विसर्जन के दौरान 4 बच्चों की डूबने से हुई मौत। यह घटना मध्य प्रदेश के देवास जिले में मंगलवार को देवी की मूर्ति विसर्जन के दौरान 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। पुलिस के सूत्रों के अनुसार तोनकस से 7 किलोमीटर दूर गंधवपुरी मार्ग पर स्थित कनका की तलैया में देवी के विसर्जन के दौरान बच्चों की मौत हुई है। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे हैं। वहीं गांव में मातम छाया हुआ है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटे के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। साथ ही लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।